फिर अल्लाह जब अल्लाह की मारिफत नसीब होगी फिर नमाज रोज़ा फिजा बनेगी। दीन सीखने का शौक हमारा, अल्लाह हमसे क्या चाहता है? जो अल्लाह को पसंद है वो करना है। अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है, अपनी ज़िंदगी को नबी के तरीके पर लाना है, अपनी ज़िंदगी को हुक्म पर लेकर आना है, ख्वाहिश पर नहीं चलना, मर्जी पर नहीं चलना, अकल पे नहीं चलना, समझ पे नहीं चलना, रिवाज पे नहीं चलना, फैशन पे नहीं चलना, बिरादरी के तरीकों पे नहीं चलना। इस्लाम क्या है, हाल का हुक्म, इस वक्त अल्लाह हमसे क्या चाहता है? फिजा बन जाए दीन सीखने की, फिजा बन जाए आमाल की, आमाल आमाल का शौक पैदा हो जाए लोग, माल का नहीं अमाल का शौक, मालदार बनने का नहीं दीनदार बनने का शौक, माल और चीजों की फिजा ना हो अमाल की फिजा बने। हर आदमी माल वाला नहीं बन सकता, हर आदमी अमाल वाला बन सकता। जिंदगी के बनने का ताल्लुक माल और चीजों से नहीं, जिंदगी के बनने का ताल्लुक आमाल से है। अल्लाह की मदद माल वालों के साथ नहीं, आमाल वालों के साथ है। हाँ, आमाल का नफा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, फर्ज नमाज के बाद क्या पढ़ेगा? आयतुल कुर्सी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इसके और जन्नत के दरमियान इसकी मौत का फासला है, मरते ही सीधा जन्नत में जाएगा। वाह वाह, शौक में तो हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़े अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अगर शाम तक मौत आ गई अल्लाह जहन्नम की आग से बचा लेंगे। शाम मगरी में पढ़ लिया, फजर तक मौत आ गई, अल्लाह जहन्नम की आग से बचा ले। अमल से क्या मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा अल्लाह पाक जन्नत में उसके लिए महल तैयार कर देंगे। 20 दफा सूरह इखलास पढ़ी तो कितने महल? 2। 30 दफा पढ़ी तो कितने महल? 3। 40 से बड़ी तो कितने महल? दुनिया में आदमी महल, दुनिया में माल बनाना आसान है कि मुश्किल है? अच्छा, एक महल बना लिया तो 2 महल बनाना दुनिया में और मुश्किल, 3 महल बनाना? बड़े से बड़ा अरबपति खरबपति 2 महल बना ले, 3 बना ले, 5 बना ले, 8 बना ले, 10 बना लेगा, उसके बाद बस। अगर आप रोजाना 10 दफा सूरह इखलास पढ़े 1 महीने तक तो रोग कितने महल तैयार हो गए? कितने? 30। वाह जी वाह, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की। शौक पैदा हो जाए। आप सल्लम ने फरमाया जो 12 रकअत सुन्नत मौकदा पढ़ेगा, 2 फजर से पहले, 4 जोर से पहले, 2 जोर के बाद, 2 मगरी के बाद, 2 ईशा के बाद, फरमाया जो 12 रकअत सुन्नत मौकदा पढ़ेगा अल्लाह जन्नत में उसके लिए माल तैयार कर देंगे। अब कितने माल तैयार हो सकते हैं भाई? आपने फरमाया जो सूरह अल-हाकुमुत तकासुर पढ़ेगा इसे 1000 आयात पढ़ने का सवाब मिलेगा। 1000 आयात, ये कमाई है। लोग कहते ना कमाई कर रहे, कमाई करनी, ये कमाई है, ये कमाई है। आप सल्लम ने फरमाया जो 100 मरतबा पढ़े सुबहानल्लाही व बिहम्दी, सुबहानल्लाही व बिहम्दी 100 मरतबा, उसको 1,24,000 नेकियां मिलेंगी। 1 लाख, अब कितनी कमाई कर सकता है आदमी भाई? आप सल्लम ने फरमाया सुबहानल्लाह इसका सवाब उहद पहाड़ से भी ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका सवाब उहद पहाड़ से भी।
12-13 किलोमीटर का है ओत पाठ। ला इलाहा इल्लल्लाह ओत पाठ से भी ज्यादा सवाब, अल्लाहु अकबर ओत पाठ से भी ज्यादा। देखो आप कहो सुभान अल्लाह तो सबके लिए जन्नत में दरख लगेगा या लग गया? फिर कहो सुभान अल्लाह तो दरख लगेगा कि लग गया? पक्की बात कच्ची बात? फिर कहो सुभान अल्लाह। अच्छा आपके लिए 3 दरख लगे, मेरे लिए हजारों लग गए। मैंने आपको दावत दी कितनी कमाई है भाई, क्या है कमाई है?